एक तरफ सरकार लगातार इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं यह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई शहर के कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड में एकता चौक के पास सामने आया है। हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर निवासी विश्वनाथ जायसवाल और उनका पूरा परिवार उस समय स्तब्ध रह गया जब विश्वनाथ जायसवाल के छोटे भाई सुबह 4 बजे अपनी बैटरी चलित वाहन को चार्जिंग में लगाया, जिससे वह सुबह 6 बजे ड्यूटी जा सके। महज आधे घंटे में ही बैटरी चलित दोपहिया वाहन में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा परिवार धमाके से उठ गया और बाहर आकर देखा तो दोपहिया वाहन धू धू करके जल रही थी। इतना ही नहीं, दोपहिया वाहन में लगी आग ने पास ही खड़ी चौपहिया को भी अपनी चपेट में ले लिया था। तब जाकर विश्वनाथ जायसवाल ने सूझबूझ दिखाते हुए दोपहिया वाहन को एक तार की मदद से खींचकर बाहर किया और चार पहिया वाहन के आग को बुझा लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। देखने वाली बात यह है कि सरकार इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा दे रही है, परंतु यही गाड़ियां छोटी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब विश्वनाथ जायसवाल की इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगी हो। इसके पूर्व भी ऐसी घटनाएं शहर भर में देखी और सुनी जा चुकी हैं। विश्वनाथ जायसवाल ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को साझा की है। मैं तो ऊपर सोया था, जो है नीचे जो है गाड़ी थी और इनकी फर्स्ट ड्यूटी थी, तो ये जो है ड्यूटी जाने के पहले जो है चार्जिंग में लगाते हैं कि 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी, तो इन्होंने जो है 3:30-4 के आसपास में लगाए चार्जिंग में। जैसे लगाए आधे घंटे के बाद ये बाथरूम चले गए, आधे घंटे के बाद जो है बैटरी ब्लास्ट हुआ, तेज़ आवाज़ हुआ, तो मैं और लड़का छोटा वाला हम लोग ऊपर सोते हैं, तो लड़का ज़ोर से चिल्लाया, मेरे को भी आवाज़ खुल गई, तो मैं नींद खुल गई तो तुरंत नीचे आया, देख रहा हूँ पूरी गाड़ी जल रही है, पूरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग पानी यहाँ चालू किया, पैनल पानी मारे जा रहे हैं। 112 में फ़ोन लगाए, कोई मैंने रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमारे मित्र के पड़ोसी के लड़के हैं, उन्हें 102 को फ़ोन लगाया, तो थाने से वो लोग आए और हम लोग जा रहे थे, उसके आग के चपेट से जो है कार में आग पकड़ लिया। तो फिर हम लोग जब कार में आग पकड़ लिया तो हम लोग सोचे कि अब तो बिल्कुल बचना मुश्किल है, कार भी जल जाएगी। तो मैंने एक तार यहीं पड़ा था और फूल तोड़ते हैं तो उसको लाया और उसको मोड़ के इसको पीछे जो है पीछे से खींचते गाड़ी को बाहर किया, फिर हम लोग कार के आग को बुझाए। बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहाँ एक तरफ इको फ्रेंडली बताई जा रही है, वहीं अब इसके परिचालन को लेकर सवालिया निशान भी उठने लगा है। एक तरफ गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और ऐसे में इन बैटरी चलित वाहनों के फेल होने से इनकी उपयोगिता संदेह के घेरे में आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।